तो आज हम जा रहे हैं कैरी सतारी ब्रिज। अब हम अश्विम बीच पहुंच चुके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज है डे 6 और आज का प्लान बहुत ही डिफरेंट करने का मन था। तो आज हम जा रहे हैं कैरी सतारी ब्रिज, जो यहाँ से 44 किलोमीटर है और जहाँ वहाँ पे पहुँचने के लिए 1.5 घंटा लगता है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और अभी बज रहा है सुबह का 7:30। तो मेरे को लगता है कि हम लोग 9 बजे तक पहुँच जाएंगे एंड देन उसके बाद में आपको वहाँ के व्यू शेयर करते हैं। और आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलिए। और मेरे जो ड्रोन शॉट्स हैं ना, अभी तक मैंने डाले नहीं है मेरे दूसरे चैनल में इंद्रजीत फिल्म्स, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे की वीडियो में। तो यार, हम लोग जहाँ जा रहे हैं कैरी सतारी ब्रिज, वहाँ पे है ना 4-व्हीलर को ले जाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि बहुत नैरो रास्ते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दिन के लिए ना बाइक को रेंट पर ले रहे हैं। मेरा मतलब बाइक बोले तो यहाँ से बाइक ही बोलते हैं स्कूटी को भी, तो वो आज रेंट पे लेंगे हम लोग एक दिन के लिए और निकलेंगे वहाँ से फ्रीजर में। प्लान तो था सतारा ब्रिज जाने का, कैरी सतारा ब्रिज, वो पूरा प्लान का वाट लग गया क्योंकि हम लोग है ना, हम लोग को है ना बाइक रेंट करने में ही टाइम लग गया और 8:30 बज गया। कोई फ़ायदा नहीं था इतना लेट जाने का। तो अभी यहीं पर ही आरपुरा में एजेडी गोवा के पास में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर हम अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और अभी यहाँ से जाएंगे अश्विम ब्रिज। कैरी सतारा ब्रिज को अब हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे, बट मैं थोड़ी सी क्लिप्स डाल दूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पे कि आप देख पाओगे कि किस तरीके का वहाँ का पूरा व्यू मिलता है। तो यहाँ पे हमने ना पोहा लिया और पावर ही लिया, टेस्ट अल्टीमेट है बॉस, बहुत अच्छा टेस्ट है। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, अब हम अश्विम ब्रिज पहुँच चुके और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने गाड़ी कहाँ पार्क की। यहाँ पर भी फ्री पार्किंग है और यहाँ पर अच्छे तरीके से सबने गाड़ियाँ लगाई है ताकि गाड़ी निकालने में तकलीफ ना हो किसी को। ये एंट्रेंस था, वहाँ से अभी हम आए हैं नीचे और अभी हम यहाँ से नीचे उतरेंगे। सो यहाँ पे ये एक बीच शैक है एंड देन ये यहाँ पे एनाहाता सी साइड रिट्रीट, ये एक है बीच शैक और भी है यहाँ पे बहुत सारे। देखो बीच बेड्स रखे हुए यहाँ पे लगे हुए हैं और लास्ट टाइम हम लोग वो कॉर्नर में रुके थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का प्लान में है कि हम अश्विम बीच में रहेंगे दिन भर या टाइम स्पेंड करेंगे और यहाँ की लहरें इतनी अच्छी है ना, इतनी डाउन है कि मज़ा आ जाता है। यहाँ छोटे बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है ये बीच और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बीच शैक्स है, कैफेज है, रेस्टोरेंट है। हमने यहाँ पर जो रेस्टोरेंट लिया है उसका नाम है एनाहाता, बहुत ही ज़ोरदार है। हमने यहाँ बीच बेड लिया है जिसका पर पर्सन पर बेड कॉस्ट है 500 रुपीज़, बट उन्होंने कहा कि जब बिल बनेगा देन एट दैट टाइम ये डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि अगर आपका बिल 2500 बनता है तो यू हैव टू पे ओनली 500। ओके, सो वन पर्सन का 500 है, तो वी आर 4 पीपल तो हमारा डिडक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये इनका कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत अंधेरा आ रहा है, ठीक है मैं आपको ऐसा दिखा दूँ, यहाँ से अच्छा लग रहा है। एंजॉइंग हियर सो मच विद योर फैमिली, विद फ्रेंड्स, विद रिलेटिव्स एंड दीज आर ऑल शैक्स यू कैन सी हियर, फ्रॉम हियर टू दैट पॉइंट। और उस तरफ बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी है ऑन दोज रॉक्स। ये मेरा वन ऑफ दी बेस्ट बीच तो नहीं है, इन फ्यूचर हो सकता है क्योंकि यार यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही शानदार है। इवनिंग में मैं यहाँ पे ड्रोन शॉट लेने वाला हूँ जिससे ये व्यूज़ और अच्छी तरीके से मैं कैप्चर करूँगा एंड आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलो मैं चलता हूँ अभी अपने बीच बेड की तरफ। सो लेट्स टेक सम रिफ्रेशमेंट बिकॉज हम जब से आए हैं तब से अभी तक हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया है एंड यहाँ पे बहुत हॉट है, बहुत गर्मी है, बहुत अलग ही एनवायरनमेंट है। यहाँ की जो सैंड है उसका कलर भी बहुत डिफरेंट है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बीच इन गोवा, इन नॉर्थ गोवा। आई थिंक
लास्ट टाइम आई सेड कि मुआजिम और मैंड्रीम इसके बारे में कहा था, एरम बोल के बारे में कहा था, मगर यार यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम बहुत कम टाइम स्पेंड किया था ना, तो हम लोग ने नहीं कि अच्छे से इसको परखा नहीं उस वक्त, बट आज मुझे लगता है कि यार इससे अच्छा तो बीच कोई हो नहीं सकता, है ना। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत साइलेंट एंड वेरी क्लासी क्राउड एंड बहुत बहुत ब्यूटीफुल है रियली। यार सही में मेरे को ना बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है यहाँ पे, एक वाइब होती है ना वो आ रही है, अच्छी वाइब यहाँ पे, पॉजिटिव। और यहाँ पे जो शैक्स है, जो कैफेज है, अल्टीमेट यार, सब प्रीमियम, यानी कि क्या बोलना चाहिए, 7 स्टार्स लगते हैं, बट उनके रेट्स ऑल गुड। ओके, ऐसा नहीं है कि 7 स्टार है तो आपको एक जूस मिल जाएगा 1000 रुपये का, ऐसा कुछ नहीं है, रिजनेबल प्राइस है, जो नॉर्मली रेस्टोरेंट्स में होते हैं ना वैसे इन्होंने प्राइस रखे हुए हैं। तो ऑल टू ऑल बहुत मज़ा आ रहा है, ये देखिए पीछे, ये देखो, ये बहुत सुंदर लग रहा है, मीन्स रियली मीन्स दिल बहुत बाग बाग हो गया सॉर्ट ऑफ। ये है बैनी, जेके ब्लॉगर गर्ल, प्लीज इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये बहुत अच्छा कंटेंट बनाती है और एडिटिंग में नंबर वन, यानी कि मैंने इसको थोड़े से स्टेप्स दिए हैं और ये इसको फॉलो करके बहुत अच्छा बना लेती है। प्लीज इसके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, इसके भी गोवा के ब्लॉग्स आने वाले बहुत सारे। आज तो बस लहरों में ही सोना है, रहना है, खाना है, पीना है। आज नॉर्थ गोवा में हमारा आखिरी दिन है, हम लोग कल साउथ गोवा जाने वाले हैं, तो जितना भी इंजॉयमेंट करना है हम लोग आज ही करेंगे। वाह यार ग्रेट। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा जो बीच शैक है वो हमको टॉवेल्स भी प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट्स वेरी नाइस। मैं भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ सर्फिंग करेगा एक बंदा, दिखाता हूँ उसके व्यूज लेता हूँ। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, मैंड्रीम, मौजिम, एरम्बोल एंड नशविम, ये बीचेस में ना बहुत ज़्यादा हॉट होता है ये, और यहाँ पे बहुत कड़क धूप रहती है। मे बी इसका कुछ फेसिंग में कुछ डिफरेंस होगा एज़ कम्पेयर टू अदर बीच। गोवा में बहुत गर्मी है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर दिसंबर मंथ, और यार हाँ ह्यूमिडिटी नहीं है, ठंडी हवा चल रही है मगर साथ में गर्मी भी है, मेरा मतलब है ठंडी हवा चल रही है मगर हॉट बहुत है। अभी हम लोग निकल रहे हैं वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ, क्योंकि यार बहुत धूप है आज, बहुत गर्मी है, बहुत हॉट है और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा यहाँ बैठ के। तो अभी जाते हैं अपार्टमेंट में, रेस्ट करते एंड देन फिर इवनिंग का कुछ प्लान करते हैं। चलो अभी हम निकल रहे हैं
हम लोग अपनी कार के पास जा रहे हैं अभी। सही में यार बहुत ज़्यादा ही धूप है आज तो। सो आज नॉर्थ गोवा में हमारा लास्ट दिन है और आज हम लोग डिनर कर रहे हैं फैट फिश में, क्योंकि बहुत फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ पे, आरपुरा में है ये, एंड इसका क्विजिन बहुत ही ज़ोरदार है। तो अभी हम ट्राई करेंगे अंदर जाके। अभी वेटिंग लगी हुई है, बहुत वेटिंग है यहाँ पे, क्योंकि बहुत फेमस होने के कारण यहाँ पे वेटिंग लगता ही है। आज ट्यूसडे है फिर भी पता नहीं मुझे इतना वेटिंग क्यों है। क्राउड आ रहा है क्योंकि न्यू ईयर करीब आ रहा है ना, तो लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो अभी अंदर जाते हैं और टेस्ट करते हैं यहाँ का फूड। कल रात को है ना बहुत लेट हो गया था तो ब्लॉग एंड नहीं कर पाया। तो गाइस हमने अश्वेम बीच अच्छे से कवर किया कल, सर्फिंग करते हुए एक बंदे को देखा, एंड देन हम लोग ने नाइट में जो डिनर किया फैट फिश में, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट आई थिंक नियर आरपोरा। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कल का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलिए कि आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। चलिए मिलते हैं अच्छे से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड धन्यवाद।